हम इंटेलिजेंस वालों की लाइफ बहुत अजीब होती है। पकड़े गए तो कोई पूछने वाला नहीं, मारे गए तो कोई रोने वाला नहीं, और कामयाब हुए तो खेल, सियासत और रिवायती अस्करी कामयाबियों की तरह। ना कोई दुआएं, ना भंगड़े, ना हार, ना मिठाई, कोई नाम तक नहीं जानता हमारा। हमारे बड़े बड़े कारनामों की सिर्फ एक छोटी सी खबर चलती है। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाक फ़ौज ने आज एक कामयाब ऑपरेशन करके दहशतगर्दों के खुफिया हथियारों के अड्डे को तबाह किया और दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। वज़ीर दिफा ने फ़ौज की सलाहियत को खिराज तहसीन पेश किया। ज़राए के मुताबिक काफिरस्तान और बदनाम ज़माना खुफिया तंजीम लॉर्ड्स इसमें मुलव्वस थे। दूसरी खबर में रीगल रोड के करीब एक खाली घर को धमाके से उड़ा दिया गया। लाशों में मिलने वालों की शनाख्त के मुताबिक कुछ इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस लॉर्ड्स के सिपाही हलाक हुए और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अब्दुल रहमान साहिब का बेटा जाँ बहक हुआ, एक इंतहाई काबिल नौजवान जो MSc PhD था। अवाम जानना चाहती है कि केमिस्ट्री में MSc PhD एक माहिर साइंटिस्ट आखिर वहाँ कैसे पहुँचा और कैसे दहशतगर्दों का निशाना बना। सवाल ये भी है कि इस कौम को और ऐसे कितने होनहार नौजवानों की कुर्बानी देना होगी। आइए चलते हैं हमारे नुमाइंदे शमशाद की तरफ और उनसे मजीद मालूम। बस एक छोटी सी खबर, लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में हर छोटी सी खबर के पीछे एक बहुत बड़ी गेम छुपी होती है, जो ना आवाम जानती है, ना अखबार, ना टीवी, ना रेडियो पर चलती है। यही एक सीक्रेट सर्विस की कामयाबी और उसकी साख्त को बरकरार रखती है। सर इमरान, इमरान इज डेड सर। जूलिया और तनवीर को लॉर्ड्स ने घेर लिया है सर। कल इमरान ने कहा था कि वो सिर्फ शागाल की रेकी के लिए जा रहा है और क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, अगर वो नहीं लौटा तो समझ जाना कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, एंड देन रिस्पॉन्ड ऑन प्रॉपर इंटेल ओनली। बॉस बॉस बॉस, हम उनके दीदार को तरसते हैं और आज उन्होंने हमें बुलाया है, इससे बड़ा क्या एहसास हो सकता है। दिस इज इम्पॉसिबल, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। 10 साल इमरान, 10 long years, तुम्हें लगता है अब वो बिल से बाहर निकलेगा? पीछे आकर बैठ जाओ और मुझे देखना मत। निकलेगा? कैसे निकलेगा इमरान, जो शख्स 10 साल हर किस्म के दाम में ना आया और आज वो खुद बाहर सामने आएगा? नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। What's bothering you इमरान, खुल के बताओ। बॉस, अगर ऐसे खुफिया मिलना था तो ये पब्लिक प्लेस पर क्यों बुलाया? तुम्हारे सारे यूनिट्स अंडर सर्विलेंस हैं। क्या? किसने रखा है? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, फिलहाल तुम एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाए गए हो। इमरान, आखिर बात क्या है? सर, क्लियर इंटेल है, काफिस्तान केमिकल वेपन बना रहा है और शायद उसका फॉर्मूला बन भी चुका है, मगर इसके पीछे लॉर्ड्स है। ओह, दैट इनफेमस कर्नल डेविड, मास्टर ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी। हमारे पास उसकी एक तस्वीर के अलावा आज तक कुछ भी एविडेंस नहीं है। सर, कर्नल डेविड गहरी नफ्सियात पर रखने वाला इंतहाई शातिर आदमी है, ऐसे लोग कभी बड़ी गलती नहीं करते। मतलब? बस मामूली गलती करते हैं। इमरान, तुम्हारी टीम, इवन तुम्हारे यहाँ आने से पहले हम 10 बार कर्नल को पकड़ने का जाल बिछा चुके हैं। वो बहुत तेज हैं, हमें हर दफा नाकामी ही हुई है। सर, ये एक नफ्सियात की जंग है, एक शतरंज का खेल है जो उसके और मेरे बीच शुरू हो चुका। सर, बाजी तो मैं चल रहा हूँ, लेकिन इस बाजी में मैं अपना सब कुछ हार जाऊँगा, मगर मेरा मुल्क जीत जाएगा। मैं समझा नहीं इमरान, तुम क्या कहना चाहते हो? सर, जब शिकारी अपना शिकार ढूंढ रहा हो तो वो खूब चौकन्ना होता है,
उसकी हर हिस तेजी से काम करती है, वो गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन उसी शिकारी की आंखों के सामने अगर शिकार आ जाए तो क्या होगा? वो खुश होगा कि आखिर वो कामयाब हो गया। बिल्कुल, और जीत का घमंड उसकी तमाम तेजी से चलती हिस्सों पर गालिब आ जाता है। अब उसे खतरे का डर नहीं बल्कि जीतने की खुशी होती है। यही वो मामूली गलती है जिसका उसे तब एहसास होगा जब वो देख लेगा कि वो शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार था। एंड यू वांट टू टेक देम आउट, हाउ, व्हाट्स द प्लान? सरेंडर। व्हाट? सर, कभी कभी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज से ज्यादा दुश्मन का लैक ऑफ एम्बिशन काम आता है। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ना मिल सकता है ना मिलेगा, वी आर लेट इन द गेम, बट मेरा वादा है वी विल प्ले द बिगेस्ट गेम इन द हिस्ट्री ऑफ कोवर्ट ऑपरेशंस। तुम्हें कल ये खबर मेरी टीम तक पहुंचानी होगी किसी भी तरह। मुझे अभी टाइगर का फोन आया है, वो कह रहा है कि मिल्टन की मेथ लैब में शगाल की हैवी मूवमेंट देखी गई है और उसके मुताबिक इमरान को वहां ही रखा गया है। शगाल जो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती है, वो मेथ लैब जैसी जगह पर जहां कभी भी रेड हो सकती है। नहीं, कुछ समझ नहीं आया। बॉस, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो, एक मामूली सी गलती सब कुछ खत्म कर देगी। तुमने कल ठीक 2 बजे टीम को इन्फॉर्म करना है कि मिल्टन की मेथ लैब में शगाल के आदमी नजर आए हैं और इमरान भी शायद वहां ही होगा। मेथ लैब है, कंफर्म लोकेशन है, मैं टाइगर से कंफर्म किया है इस बारे में। मिस जूलिया, यू नो टाइगर, वो इमरान का कितना खास है, वो हमें प्रॉपर इंटेल ही देगा। मैं टाइगर की इंटेल को चैलेंज नहीं कर रही, बट शगाल जैसी कुछ तो गड़बड़ है। दिस इज अ सुसाइड देन। देन लेट इट बी। सर, कितने लोग मरेंगे ये अंदाजा है आपको? हजारों, लाखों? नहीं, उससे भी ज्यादा। मैं सरेंडर करूंगा, एटलीस्ट आई मेक श्योर इट लुक्स लाइक वन। तुम भेड़ियों के झुंड में जाने का कह रहे हो? डरिए मत सर, भेड़ियों के झुंड में आप मेमना नहीं भेज रहे। यही तो डर है मुझे। यू विल नेवर सरेंडर। किसी ने सर सुल्तान को कांटेक्ट किया? सर सुल्तान इज ऑफलाइन। और X2? You know him, Miss Julia. X2 तभी कांटेक्ट करता है जब वो चाहता है। इमरान के कल क्लियर ऑर्डर्स थे, अगर कोई गड़बड़ हुई तो जूलिया इज इन चार्ज। अगर तुम्हारे सरेंडर करने में, व्हाट इफ 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 आई डाय, जूलिया इज अ गुड एजेंट, वो टीम को बेस्ट लीड करेगी। सो दिस इज इट गाइस, देन दिस विल बी अ रेस्क्यू मिशन, अ सिंपल एक्सट्रैक्शन, वी प्लान इट अकॉर्डिंगली। आई रिपीट, सिर्फ इमरान को वहाँ से निकालना है और कुछ नहीं करना। इमरान इज फर्स्ट एंड ओनली प्रायोरिटी। एनी क्वेश्चंस? सफदर? नो। तनवीर? कूल विद मी। कैप्टन शकील? नो। ओके, प्लान इज हम अलग अलग निकलेंगे, कैप्टन शकील और सफदर ऑक्सफोर्ड रोड से आएंगे, तनवीर पहाड़ी रास्ते से और मैं सेंट्रल एवेन्यू से। कोई भी मूवमेंट या किसी भी किस्म की टेल से हमें पता चलेगा कि इट्स अ ट्रैप और रियल लोकेशन। फिर पोर्ट साइड और डेजर्ट रोड रह जाते हैं। अगर इमरान वहाँ ही मिल गया तो वी डोंट नीड इट। अगर इमरान वहाँ ना हुआ तो मैं और तनवीर डेजर्ट रोड और सफदर और कैप्टन शकील पोर्ट साइड को जाएंगे। इमरान, कोई जान नहीं पाएगा कि तुमने अपने मुल्क के लिए अपनी जान तक दे दी। सर, व्हाट इस सीक्रेट इन सीक्रेट सर्विस? ये सब हम नाम कमाने के लिए नहीं करते, और शायद हम जैसे गुमनाम सिपाहियों के लिए ही दर्द ने कहा है। बागे जहां के गुल हैं या खार हैं तो हम हैं। अगर यार हैं तो हम हैं, अगयार हैं तो हम हैं। दरियाए मार्फत के देखा तो हम हैं साहिल। करवार हैं तो हम हैं।
और पार तो हम। कोई और प्लान भी तो हो सकता है। तुम्हें जो इंटेल मिली उसी को उनके हाइडआउट पर जाके एक्सपोज कर रहे हो, ये समझ नहीं आया। यही तो प्लान है, वो हमसे एक कदम आगे है। वो सब कुछ कर गुजरे हैं हमारे डर की वजह से, और इस डर ने उन्हें इतना मोहतात कर दिया है कि वो कोई गलती नहीं कर रहे। तो इस सब से क्या होगा? वो गलती करेंगे, वो देख लेंगे कि वी आर ट्रैप, वो देख लेंगे कि उन्होंने पाकिशिया की सीक्रेट सर्विस के हेड को पकड़ लिया है। उन्हें यह एहसास होगा कि वो जीत गए। Ali Imran is moving in compound. I repeat, Ali Imran is moving in. I want him alive. Only use non-lethals. I repeat, मुझे वो हर कीमत पर जिंदा चाहिए। वहां पहुंचकर कैप्टन शकील और सफदर इंगेज करेंगे, मैं और तनवीर कवर देंगे। कैप्टन शकील, आप कुछ नहीं बोल रहे? आज तक जहां भी हमें जरूरत हुई इमरान वहां खड़ा मिला। आज पहली बार इमरान को हमारी जरूरत है। गुस्से में अल्फाज साथ नहीं दे रहे। सो दिस इज योर प्लान? नॉट ओनली प्लान सर, दिस इज माई टीम। मैं एक टीम छोड़कर जा रहा हूँ। ओके गाइस, सो लेट्स मूव। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। We'll be right back.
कैप्टन शकील, योर मूव। टाइगर, अब मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ वो गौर से सुनो। आज मैं तुम्हें वो मिशन दे रहा हूँ कि जिसकी कामयाबी से सिर्फ इस मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अमन मुंसलिक है। बॉस, आप बोलें बस, टाइगर की जान हाजिर है। नाइस प्लान, देन व्हाट? वो केमिकल वेपन का फॉर्मूला खुद ही हमारे पास आ जाएगा। उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। कैसे? टाइगर, आपको लगता नहीं ऐसी लैब की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा होगी? जो मैप मैंने तुम्हें दिया है एग्जैक्ट उस लोकेशन पर अंडर वाटर टनल है लैब में जाने के लिए। ऊपर के रास्ते जाना ठीक नहीं होगा और शागाल की सिक्योरिटी टाइगर के शिकार के अलावा और कुछ नहीं। टाइगर, तुम्हें हर हाल में वो फॉर्मूला रिट्रीव करना है। और तुम्हें ये पूरा भरोसा है कि टाइगर ये कर पाएगा? 100%। टाइगर, वहाँ जो लोग तुम्हें नज़र आएंगे उन्हें साइंटिस्ट समझकर छोड़ मत देना। वो जल्लाद हैं जो दुनिया की तबाही का सामान कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू सेंड देम ऑल टू हेल। और अगर मैं नाकाम हुआ तो? मैं जिस टाइगर को जानता हूँ वो उनके हलक में हाथ डाल करने वाला निकाल लेगा। इतना कॉन्फिडेंस तो तुम्हें शायद खुद पर ही है। क्योंकि मैं जानता हूँ। जाओ टाइगर, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो। जाओ, इस मुल्क की आवाम की दुआएं तुम्हारे साथ हों। क्योंकि वो तुम्हारा होनहार स्टूडेंट है, सिर्फ इसलिए? नहीं सर, क्योंकि मेरा दिल बोलता है कि वो कामयाब होगा। क्योंकि वो एक ऐसा अनमोल हीरा है जिसकी कदर अभी किसी को नहीं। क्योंकि अल्लाह की मदद उसके साथ है। Dark Wave. जहे नसीब, हमने कहाँ सोचा था कि इस मुलाकात का शर्फ हासिल होगा। सर, बहुत पूछा लेकिन कुछ पता नहीं रहा। भाई, ये हमारे खास मेहमान हैं, तो हम नहीं पूछते हैं तो तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? अच्छा, तो ये कुछ नहीं बताएगा। हाँ, इरादे का पक्का और मुल्क का वफादार सिपाही जो है, तोड़ो इसके इरादे को और इसके घमंड को। तोड़ो इसे जब तक ये मुंह नहीं खोलता। इमरान, उस टॉर्चर रूम में तुम कितनी देर रह पाओगे? कुछ कह नहीं सकते। बता तू क्या जानता है? बता क्या प्लान है तुम लोगों का? Guys, I heard something. यहाँ नीचे से आवाज आ रही है। Right behind you. Okay, got it. Oh. They will break you. Oh.
Then I will test my limits. तुम मारे जाओगे। और मैं आपसे कह चुका हूं, जूलिया बेस्ट लीड करेगी। ये तो बड़ा अजीब सोल्जर है, कौन हो सकता है? इमरान तो शागाल का कह रहा था, बट ये तो लॉर्ड्स का सोल्जर है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तनवीर का रेडियो आया है, तुम एरिया स्वीप करो, मैं उसे देखती हूँ। ये कोई प्लान नहीं, it's a one way trip. No, it's not. अगर मैं उन्हें कुछ ऑफर करूँ, maybe I'll buy some time. रुको, रुको, बताता हूँ, सब बताता हूँ। रुको भाई रुको, मिस्टर MSc PhD साहब कुछ कहना चाहते हैं। ओह नो, क्या ऑफर करोगी? हमारे पास है ही क्या ऑफर करने को? समथिंग मोर वैल्यूएबल बियॉन्ड देयर थिंकिंग। आज शाम 4 बजे मिल्टन की मैथलैब पर एक आर्म डील होने वाली है। मेरी पूरी टीम वहाँ रेड करेगी, उसमें 4 लोग होंगे। उन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। व्हाट? इमरान तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मुल्क से गद्दारी की बात कर रहे हो? सर दिस इज द ओनली वे। सर 10 साल से हमारे पास है क्या, सिर्फ एक पिक्चर? मैं सारी जिंदगी सोचता रहा कि तुम्हारी उकाब जैसी निगाहों से खुद को कैसे बचाया जाए। जो आदमी अपने वतन पर सब कुर्बान कर सकता है, वो मौत को हंस के गले लगाएगा। कल पूरी दुनिया में केमिकल वॉरफेयर की शुरुआत हो जाएगी, एंड वी कैन नॉट अनडू दिस। सर वी हैव अ चांस नाउ, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली चांस। रातें जाग कर गुजारी मैंने, और यहाँ देखो, एक छोटे बच्चे की तरह तड़पता हुआ अली इमरान। शायद मैंने तुम लोगों को ज्यादा इज्जत दे दी थी। ये कोई प्लान नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई पॉजिटिव आउटकम कहीं नहीं दिख रहा। सर फॉर वंस लेट देम थिंक वी आर वल्नरेबल। उन्हें लगे कि हम टूट गए, उन्हें लगे कि हम बिखर गए, उन्हें लगे कि वो जीत गए। दिस इज द ओनली वे दे लोअर देयर गार्ड। वी हैव अ वेरी स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर वो मिस हुई तो सब खत्म, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इमरान, मैं फिर भी टीम की सेफ्टी को लेकर ये रिस्क नहीं ले सकता। सर आपने मेरी टीम को समझा ही क्या है, अकेला कैप्टन शकील ही एक यूनिट के लिए काफी है। फिर तनवीर और सफदर जैसे बेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर, और जूलिया द मोस्ट बैड एस एजेंट। मुझे तो सीक्रेट सर्विस लॉर्ड्स की सेफ्टी का सोच के दुख हो रहा है। Oh no! Abort! 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 It's a bomb! Guys, do you copy? अंदाजा नहीं था लॉर्ड्स इतनी होशियार निकलेगी। वहां बॉम्ब पहले से प्लांट थे। इट्स अ क्लियर ट्रैप। और अगर इमरान अंदर था तो? इम्पॉसिबल। ये ट्रैप इमरान के लिए नहीं, हमारे लिए था। फिर तो वह अब और भी खतरे में होगा। मैं जा रहा हूँ, इस पर खास नजर रखना, लेकिन इसको जिंदा रखना जब तक मैं नहीं कहता। इसकी टीम को इसके सामने मारना है। पानी, पानी। चुप हो जा। पानी। एक तो बॉस ने ऑर्डर दिया। अच्छा रुक, ला रहा हूं।
ओके फर्ज करो यहाँ तक सब ठीक होता है एंड बाय लक वी गेट केमिकल फॉर्मूला एंड बाय लक तुम लॉर्ड्स को इस बात पर मुतासर कर दो कि वो जीत रहे हैं मगर फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कर्नल डेविड हमारे हाथ कैसे आएगा और तुम जिंदा बचकर बाहर कैसे आओगे सर सीक्रेट सर्विस में सिर्फ लक नहीं प्लान होता है मैं वहां से नहीं आया तो वी हैव अ बैकअप प्लान दैट इज जूलिया कैप्टन शकील एंड सफदर टू डॉग्स तन्वीर तुम मेरे साथ आओगे वॉच आउट बॉय मिस जूलिया आप भी ख्याल रखना What's your status? Nothing suspicious here with dogs. Nothing suspicious here too. बस एक गधा investigation के बजाय रेस लगा रहा है। Like तुम मुझसे जीत सकती हो इस कार में। So it's a one-way trip then. तुम पूरी तरह prepared हो कि वापस नहीं आने वाले। Sir हम secret service वालों के सिर्फ दुश्मनी होते हैं। दोस्त कहाँ होते हैं? अगर कोई आज तक दोस्ती निभा पाया है तो या तो वो टाइगर है और कौन रुक जाओ इमरान अब तुम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा खेल खत्म कोई आखिरी ख्वाहिश मैन डाउन इमरान ने उन्हें मार डाला वी हैव नो चॉइस हमने उसे मार डाला आई रिपीट इमरान इज डेड मुझे अपने हाथों से मारना था इडियट्स पूरा वेयरहाउस उड़ा डालो इट मस्ट लुक लाइक एन एक्सीडेंट जूलिया यहाँ कुछ भी मशकूक नहीं है क्या ऑर्डर्स हैं हम दानिश मंजिल वापस जाएं ओके मेरे ख्याल से वहां जाकर सर सुल्तान से रابطہ करते हैं एंड स्टे शार्प वन पार्टी टू डेजर्ट रोड अदर टू वेस्ट साइड वेट गाइस आई थिंक वी गॉट टेल गाइस इट्स लॉर्ड Please follow me. Hey Julia, fast, 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 go, go, go. Miss Julia, कहाँ हो तुम? Exact location बताओ, जल्दी. Wait, guys. Miss Julia, तुम पागल हो क्या? Wait, guys. This is an order. Guys, we are hit. I repeat, we are hit. Tanveer, are you okay?
ही इज हियर। कौन? कर्नल डेविड। मिस जूलिया कहाँ हैं आप? एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। तो आज हमारा अंजाम हुआ जाता है, सोचा ना था ऐसा होगा। ये है पाकिशिया की होनियार टीम। बहादुर टीम भाई, बहादुर टीम। वैसे इनके लीडर से तो ये लड़की भी बहादुर निकली। कैसे बेचारा जिंदगी की भीख मांगते मांगते खत्म हुआ। झूठ, इमरान को तुम जैसा बुजदिल हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं भी सारी जिंदगी यही सोचता था, लेकिन हकीकत सोच से मुख्तलिफ निकली। अच्छा लड़का था, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो इतना बुजदिल निकलेगा और तुम लोग उसके साथ काम करते थे। मेरे साथ काम करते तो शेरों की तरह रहते। गाइस, इमरान इज डेड। आई रिपीट, ही इज गॉन। व्हाट? गाइस, इट्स बीन अ प्रिविलेज वर्किंग विद यू ऑल। जूलियाना फिट्ज़वाटर। हेलो कैप्टन शकील। कॉम्स आर डाउन। गाइस, कहाँ हो आप लोग? मिस जूलिया, प्लीज। कॉम्स गॉन। आई एम सॉरी मिस जूलिया, आई विल नॉट टेक मोर ऑर्डर्स फ्रॉम यू। सफदर, उतरो यहाँ एंड कॉल सर सुल्तान। हम रहे ना रहे, लेकिन तुम नहीं बचोगे। खुदा का तुम पर अजाब आएगा और वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। हेलो। लगता है इन्होंने ठीक से सुना नहीं। तुम सब जिस पर नाश करते थे वो ही चला गया। अब तुम क्या कर लोगे? आज तक ऐसी कोई गोली ही नहीं बनी जिस पर कर्नल डेविड का नाम लिखा हो। इमरान खत्म, अब तुम्हारी बारी। सर, सर मतलब वाज अ ट्रैप। सर, इमरान इज डेड। सर, जूलिया और तनवीर को लॉर्ड्स ने घेर लिया है सर। और हमें कैसे पता चलेगा कि सब कुछ वैसे ही प्लान के मुताबिक चलेगा जैसा तुम सोच रहे हो? इफ यू गेट अ डिस्ट्रेस कॉल और SOS कॉल फॉर हेल्प, तो समझ जाएगा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। रेडी? सर, सर वी नीड ऑर्डर्स। सर, अब क्या करना है? सर, सर हम जूलिया और तनवीर को रेस्क्यू करने के लिए जाना चाहते हैं। सर, सर ऑर्डर्स दीजिए। इमरान की लोकेशन मालूम हो गई है, आप लोग वहां पहुंचो और उसे निकालो। सर, सर लैब पर हमला हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? और वो केमिकल फॉर्मूला चोरी हो चुका है सर, पूरी लैब तबाह हो चुकी है सर। ये तूफान कैसा? सर, हम सीक्रेट सर्विस वालों के तो सिर्फ दुश्मन ही होते हैं, दोस्त कहाँ होते हैं? अगर आज तक कोई दोस्ती निभा पाया है तो या तो वो टाइगर है और कौन? रुक जाओ इमरान, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा खेल खत्म। कोई आखिरी ख्वाहिश? और मेरा ट्रस्टेड इंस्पेक्टर फ्रीडी। तो साबित हुआ कि पुलिस वाले हमेशा लेट ही आते हैं। या यू वेलकम, नाउ लेट्स गो। खुशी हुई तुम्हें देखकर मेरे दोस्त। वेट अ सेकेंड। The three men down.
इमरान ने उन्हें मार डाला। We have no choice. हमने उसे मार डाला। I repeat, Imran is dead. उसके बाद, I need some big guns. Anything else? Well, these are really very big guns. जाओ इमरान, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। हमने सब कर दिया है, बस अब अल्लाह की मदद चाहिए। दुआ है दुश्मन के लिए, अल्लाह हमें ना थमने वाला तूफान बना दे। हेलो हेलो कैप्टन शकील, हेलो। नो जूलिया, दिस इज X2, हेल्प इज ऑन द वे, कीप योर हैंड्स एंड फीट इनसाइड द व्हीकल एट ऑल टाइम्स। X2 कहाँ है आप, नजर नहीं आ रहे। लुक अप जूलिया, लुक अप। नजर नहीं आ रहा बॉस। फौरन निकलो और बेस पर मिलो। तनवीर, जूलिया, गेट अप, गो टू रीगल रोड बियर हाउस। जूलिया, गेट अप, कम ऑन, कम ऑन। रेडी? आई एम ऑलवेज रेडी।
अरे अरे अरे, देखो तो ये कौन है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी बड़ी खुफिया तंजीम चलाने वाला एक मामूली सा कीड़ा नहीं हो सकता। कर्नल, रेंगना बंद करो और खड़े हो जाओ। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गए थे ना? हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूँ? मैं तो सबके लिए मर चुका हूँ। तुमने सब चौपट कर दिया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। आज तुम्हारी ऐसी फटी हुई हालत देखकर मुझे दर्द का वो शेर याद आ रहा है। तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा ना देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। देखो देखो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मुझे मारा, माफ किया, पूरी दुनिया को थ्रेट किया। टू बैड, मेरी टीम को मारना चाहा। सो सैड। देखो देखो, मुझे अरेस्ट कर लो, मैं सब बताता हूं। गोली बनाने वाले ने क्लियरली कहा था कि इससे हाथी मारा जा सकता है, लेकिन कुत्ता मरेगा कि नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। फॉर गाजा। टाइगर और फ्रीदी को प्लान का हिस्सा बनाना और टीम को छोड़ देना, ये ठीक नहीं। टाइगर और फ्रीदी टीम का हिस्सा नहीं है। बेट के लिए हम में से किसी को आगे आना था, उन्हें नहीं। लेकिन तुम ये करके वापस नहीं आ सकोगे। They will see you as a traitor. मैं जानता हूँ। वैसे इससे भी बड़ा थ्रेट सर पर खड़ा है। वो सीक्रेट सर्विस के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल है। पर्सनल? कौन है वो? है कोई पुराना जानने वाला। यूं समझ लीजिए कि गोया मेरे लिए किसी चाचा की निस्बत रखता हो। What threat we are talking about? The one who controls global narrative. उसके हाथ हर जगह हैं। हर मुल्क के हर स्टेट ऑफिस में लोग उसके लिए काम करते हैं। शायद मैं, शायद आप, कोई भी उसके लिए इस वक्त काम कर रहा होगा। तुम इतने एतमाद से कैसे कह सकते हो? क्योंकि जब मैं ऑक्सफोर्ड में था तो मैं उससे मिल चुका हूँ। तुम्हारे बगैर वो सब टूट जाएंगे। नहीं, उन्हें ताकत मिलेगी। कैसे? कि वो अपने लीडर को नहीं बचा पाए इस गम से, या अपनी बेबसी के गुस्से से? हाँ, इस गम और गुस्से के बाद वो और मजबूत होंगे। और वो यादें जो तुम छोड़ गए हो उनके लिए? They will overcome. They have to. So, पकीशिया सीक्रेट सर्विस का हेड मर चुका। This is what secret in secret service, Sir Sultan. You'll be dead forever. For now, yes. But when the time is right, I will come and join them. Will they understand then? Yes, they will understand. Choices have consequences. Aur team pehle jaisi nahi reh payegi. Rehna hoga. Balki Julia ke hote shayad team expand bhi kare. Maine faisla kiya hai ki hamari new team head Julia hongi. और हमें एक न्यू एजेंट ने ज्वाइन किया है। प्लीज वेलकम मिस सालेहा। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत तकलीफ दे होगा, मगर यकीन रखिए, उनकी ताकत बढ़ेगी। दे विल स्टार्ट फ्रेश। पीपल विल अंडरस्टैंड वी आर वल्नरेबल। दे फोकस ऑन अस एंड वी टेक देम ऑफ गार्ड। हाँ, किसी का मैं मुजरिम जरूर हूँ, जिनको यादों से बाहर आने में वक्त तो लगेगा, मगर वो इस टीम का असल असासा है। और कभी टीम को तुम्हारी जरूरत पड़ी तो? I'll be there, watching over them from shadows, like a ghost.
serve my country, and I'm leaving the best behind. For me, it's always a pride working with you all. Ali Imran, signing out, sir. She then demand. She da louder. That's that. X do she shoy. Woman zang zai zhu she shoy she. Yuan fi xin jue la. Wang su she chi X do. She da lao ban. Wang he.